सभा में प्रशासनिक सेवाओं में रह चुके कई प्रमुख अधिकारी विधायक हैं और सभी की चाह भी इसको लेकर नजर आ रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में क्या बदलाव इसको लेकर किया जाएगा उसको लेकर भी सभी के मन में एक उम्मीद है। राजनीति में आने की चाह का क्या कहना है, दलगत सियासत में सक्रिय नेताओं के सिवाय वो अधिकारी भी हैं जिन्हें पूरी इच्छा रहती है सियासत में आने की। सबसे पहले बात करेंगे एसआर जांगिड की। एसआर जांगिड बाड़मेर के कपास के निवासी हैं। उन्हें पूरा तमिलनाडु सिंघम के नाम से भी जानता है। उन्होंने कुख्यात और दुर्दांत बावरिया गैंग का सफाया किया था। इनके साहस के ऊपर चर्चित तमिल फिल्म थीरन बन चुकी है। तमिलनाडु के कई जिलों में एसपी रहे जांगिड को कई वीरता पदक मिल चुके हैं। एसआर जांगिड को राष्ट्रपति से भी सम्मान मिल चुका है। अब बाड़मेर से लोकसभा के चुनावी समर में उतरना चाहते हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव रहे निरंजन आर्य के भी चुनावी इरादे हैं। पाली इनका सियासी क्षेत्र है। इनकी पत्नी संगीता आर्य सोजस से कांग्रेस के टिकट पर चुनावी समर में उतर चुकी हैं। निरंजन आर्य दलित चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लंबे इस समय से नजदीक रहे हैं। राजस्थान में नए जिलों के सूत्रधार पूर्व आईएएस राम लुभाया के भी चुनावी समर में उतरने की चर्चा है। राम लुभाया नए जिले अनूपगढ़ से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं या फिर श्री गंगानगर हनुमानगढ़ सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। पिछले चुनाव में भी इनके नाम की चर्चा चली थी। दलित के तौर पर राम लुभाया सियासी चेहरा हो सकते हैं। पूर्व आईपीएस हरिप्रसाद शर्मा फुलेरा विधानसभा क्षेत्र के रेनवाल के निवासी हैं। शर्मा फुलेरा से टिकट चाहते हैं। इन्होंने कांग्रेस से टिकट मांगा था। इनके सीएम अशोक गहलोत से अच्छे संबंध रहे और इनकी कुशल अधिकारी की इमेज रही है। दलित संगठनों में सक्रिय पूर्व आरपीएस अनिल गोडवाल की भी सियासत में उतरने की चाहत है। गोडवाल ऐसी रिजर्व सीट चाकसू या दूदू से चुनाव लड़ना चाहते हैं। पूर्व आईएएस केसी वर्मा जयपुर के संभागीय आयुक्त रह चुके हैं और निवाई से विधानसभा का चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। इनकी बीजेपी से नजदीकी मानी जाती है। मदनलाल शर्मा सीबीआई में डायरेक्टर स्पेशल पद पर आसीन थे और अलवर के रामगढ़ से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। पूर्व पुलिस अधिकारी महेंद्र चौधरी की बाड़मेर में लंबे समय से सक्रियता है और किसान वर्ग के चेहरे के तौर पर पहचान रखते हैं। बीजेपी से टिकट के प्रयास कर रहे हैं। पूर्व आरएएस जगमोहन मीणा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के भाई हैं। एनपीपी के टिकट पर एक बार टोंक सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ चुके हैं, फिर पूर्वी राजस्थान में किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। पूर्व आरएएस महावीर खराड़ी भारतीय आदिवासी पार्टी का भविष्य के चेहरे हो सकते हैं। ओप वागड़ के आदिवासी बेल्ट से ताल्लुक रखते हैं। इनकी पत्नी प्रकृति खराड़ी बीजेपी के टिकट पर आसपुर से चुनाव लड़ चुकी हैं और पिछली राज्य सरकार में एसटी आयोग की चेयरमैन थी। पूर्व प्रशासनिक अफसर मन्ना लाल रावत मेवाड़ और वागड़ के आदिवासी क्षेत्र में सक्रिय हैं और भविष्य में बीजेपी के आदिवासी फेस हो सकते हैं। पूर्व आईएएस टीआर मीणा केरल के मुख्य चुनाव अधिकारी रह चुके हैं। टीआर मीणा बामनवास के मूल निवासी हैं और क्षेत्र में खासे सक्रिय हैं। पूर्व आईपीएस विजेंद्र सिंह झाला जयपुर के ट्रैफिक एसपी रह चुके हैं। जोधपुर के बिलाड़ा से बतौर कांग्रेस बागी चुनाव भी लड़ चुके हैं और फिर वहीं से चुनाव लड़ने का इरादा है। पूर्व आईएएस ओपी सैनी सामाजिक सियासत में सक्रिय हैं। करौली से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, एक बार फिर सक्रिय हैं। पूर्व आईएएस ललित मेहरा कांग्रेस में सक्रिय हैं। पीलीबंगा रिजर्व सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं और इनकी नहरी क्षेत्र में सक्रियता है। पूर्व आरएएस अकील अहमद ने ओवैसी के लिए ब्यूरोक्रेसी छोड़ दी। राजस्थान में एआईएमआईएम के संगठन विस्तार में जुड़े हैं। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से चुनाव भी लड़ सकते हैं। पूर्व पुलिस अधिकारी के राम आईबी राजस्थान के प्रमुख रह चुके हैं, वहीं कांग्रेस में सक्रिय हैं और नागौर से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। पूर्व आईएएस लालचंद असवाल जयपुर नगर निगम के आयुक्त रहे। प्रदेश में तेज सरार दलित चेहरा है, अभी किसी दल में नहीं है, लेकिन दूदू बगरू और चाकसू तीनों जगह से दावा करते हैं। मौजूदा विधानसभा में भी प्रशासनिक सेवाओं में रह चुके कई प्रमुख अधिकारी विधायक हैं। राजस्थान पुलिस के पूर्व डीजीपी हरीश मीणा देवली उनियारा से विधायक हैं। पूर्व आईएएस जेपी चंदेलिया पिलानी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। पूर्व आईपीएस लक्ष्मण मीणा बस्सी से निर्दलीय विधायक हैं। पूर्व प्रशासनिक अधिकारी पुखराज गर्ग भोपालगढ़ से विधायक हैं। जैसलमेर से कांग्रेस विधायक रूपाराम मेघवाल, बांदीकुई विधायक जी आर खटाना, महुआ विधायक ओपी हुड़ला, दौसा विधायक और मंत्री मुरारी लाल मीणा भी सरकारी सेवाओं में सेवा देने के बाद सियासत में आए। अजमेर विद्युत वितरण निगम के पूर्व एमडी पीएस जाट लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। रिटायर्ड आईएएस अफसर डीपी मीणा, सुखपाल मीणा, अजय सिंह चित्तौड़ा, आरके मीणा, सियाराम मीणा, ओपी यादव और रिटायर्ड आईपीएस आरपी मीणा, गिराज मीणा, भारतीय रेल सेवा से रिटायर्ड किशनलाल मेघवाल लंबे समय से टिकट के प्रयासों में।
इतना ही नहीं, कांग्रेस और बीजेपी से टिकट की गारंटी मिलने पर कुछ प्रमुख ब्यूरोक्रेट्स कभी भी अपनी सेवाओं को छोड़कर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट।